पंचतत्व वर्तमान के परिपेक्ष में संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड और मानव शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है। ये पांच तत्व हैं क्षिति अर्थात धरती, जल, पावक, गगन और समीर अर्थात प्राणवायु। इन तत्वों का महत्व केवल निर्माण की संरचना तक ही सीमित नहीं है। ये धारणा कि कुछ भौतिक तत्वों से मानव जीवन निर्मित और विकसित हुआ है, सर्वथा निराधार है। जीवन का हर पल, हर समस्या और प्रत्येक निर्णय का आधार भी यही पांच तत्व हैं। जीवन की सफलता मनुष्य द्वारा लिए गए निर्णय और उसके विवेक से ही सुनिश्चित होती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवन की सफलता भी इन्हीं पांच तत्वों पर आश्रित है। जीवन की अनेकानेक परिस्थितियों की विषमता और उनके सफलता पूर्वक निवारण में भी इन तत्वों का अपना योगदान और मार्गदर्शन है। यदि हम वर्तमान के परिपेक्ष में उदाहरण के रूप में आए दिन आने वाली समस्याओं की विवेचना करें, जैसे एक कर्मचारी के रूप में आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं और असमंजस में है कि क्या आपका निर्णय सही है, तो ऐसी अवस्था में आपको ये पांच तत्व कैसे सहायता कर सकते हैं और आपको इस दुविधा से निकालकर उपयुक्त निर्णय लेने में किस प्रकार आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आइए अब तत्व और उनके मूल भाव को समझते हैं। क्षिति अर्थात धरती का मूल भाव है स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी। जल का मूल भाव है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। पावक अर्थात अग्नि का मूल भाव है ऊर्जा एवं प्रगतिशीलता यानी एनर्जी। गगन का मूल भाव है विस्तार यानी एक्सपेंशन। और समीर का मूल भाव होता है प्राणवायु यानी लाइफ ब्रेथ। सबसे पहले प्रथम तत्व क्षिति अर्थात धरती, जिसका संक्षेप में अर्थ है स्थायित्व। ये देखना होगा कि संस्था में स्थायित्व है या नहीं। इसके बाद संस्था यदि अपनी नीतियों में पारदर्शी है तो वो आपके प्रति अपनी आज की प्रतिबद्धता को आगे भी निभाएगी। इसी क्रम में पावक तत्व संस्था की ऊर्जा और प्रगतिशीलता को दर्शाता है, जिसका कि वर्तमान में आकलन किया जा सकता है। इसके बाद गगन तत्व से संस्था की भविष्य की विस्तार योजनाओं का समुचित आकलन संभव है। अंत में समीर अर्थात प्राण वायु के माध्यम से कर्मचारी को मिलने वाले मानदेय के प्रति भी आश्वस्त हुआ जा सकता है। इन्हीं मापदंडों से संस्था भी अपने कर्मचारी का निष्पक्ष आकलन कर सकती है। जीवन में जब कभी अपनी पुत्री अथवा बहन के विवाह का निर्णय लेना होता है तो वर और उसके परिवार के बारे में भी अत्यंत दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हर पिता और भाई अपनी पुत्री या बहन के भविष्य में सुखी जीवन के प्रति आश्वस्त होना चाहता है। ऐसी अवस्था में भी यदि वर और परिवार के स्थायित्व, पारदर्शिता, ऊर्जा और विस्तार का आकलन करके निर्णय लें, तो कन्या के भविष्य और उसकी प्राणवायु के रूप में उसके अधिकारों का स्पष्ट आकलन किया जा सकता है। व्यापार में प्रायः आर्थिक लेन देन या व्यावसायिक साझेदारी में भी इन पंच तत्वों के माध्यम से उचित निर्णय लिया जा सकता है। पंच तत्वों का महत्व भौतिक निर्माण से लेकर जीवन के मानसिक भंवर तक विस्तृत है। सच तो ये है कि इनसे बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। आत्मा को भी प्रगट जगत में रहने के लिए इन्हीं पांच तत्वों की आवश्यकता होती है। भारतीय सनातन मनीषियों के इस दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन को भारत समन्वय परिवार की ओर से शत शत नमन। हमारा प्रयास है कि हम अपनी सनातन संस्कृति के इन संदर्भों से जन जन को परिचित कराएं और उन्हें लाभान्वित करें।